हेलो फ्रेंड्स, फिनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का अगला पार्ट। इसके पहले हमने प्रीवियस पार्ट डाल चुके हैं, यदि आपने हमारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वे सभी पार्ट भी देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के एग्जामों में से लिए गए हैं, जो पूरे 1000 सवाल हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आगा खान और सलीमुल्ला खान ने। आगा खान और सलीमुल्ला खान ने सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1906 में, और किसके द्वारा की गई थी? तो आगा खान और सलीमुल्ला खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? भारत में डाक टिकट पहली बार कब चलाई गई? तो ये चलाई गई थी 1854 में, 1854 में भारत में डाक टिकट पहली बार चली थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त सन 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने प्रारंभ की थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सन 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की प्रथा लागू की थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो यह लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 में लड़ी गई थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी? तो उनका नाम है हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो यह एक मुगल बादशाह थे हुमायूं, जिनकी मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। और यह भी सवाल पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो यह अकबर ने बनाया था। और किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो यह गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की थी? भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की थी? तो यह अकबर ने लागू की थी। भू राजस्व की दहशाला पद्धति यह अकबर ने लागू की थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी औरंगजेब ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति औरंगजेब ने बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को अन्य सह्याद्री पर्वत श्रृंखला इस नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपसे पूछे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तो यह पश्चिमी घाट में स्थित है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटिन पाया जाता है। तंबाकू के धुएं में निकोटिक नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो यह 6 माह के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश यह 6 माह के लिए लागू रहता है।
मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। मौसमी गुब्बारा, इसका मतलब ये होता है कि जो हवा में उड़ते हैं। मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण वह हवा में उड़ते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है? तो इसका नाम है प्लीहा, जिसे हम हिंदी में तिल्ली के नाम से जानते हैं, या फिर स्प्लीन के नाम से। प्लीहा, स्प्लीन या फिर तिल्ली, इसे मानव शरीर में रुधिर बैंक भी कहा जाता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला सा दिखाई पड़ता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उनका नाम है मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किए थे। तो ये आपको याद रखना अत्यंत जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किए थे, वो मैडम भिखाजी कामा ने किए थे। सन 1815 में आत्मी सभा का गठन किसने किया था? सन 1815 में आत्मी सभा का गठन राजा राममोहन राय ने किए थे। राजा राममोहन राय ने सन 1815 में आत्मी सभा का गठन किए थे। अगला सवाल है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा चाबी भरी घड़ी में होती है। तो यदि आपसे सवाल पूछते हैं कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसका सही जवाब है स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह टिन और शीशे मिश्र धातु की बनी होती है। फ्यूज की तार टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है थॉमसन ने की थी। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो इसका सही जवाब है न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने बनाए थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हॉन ने। ऑटो हॉन ने परमाणु बम का आविष्कार किए थे। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है नाइक्रोम की। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम धातु की बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट यह लोहे के अयस्क होते हैं। लोहे के अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति, किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह सन 1971, 1971 में, 1971 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। अगले सवाल है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ये नेतृत्व किए थे खिलाफत आंदोलन का। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी गई थी। उससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को सर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से पुकारा जाता था। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। अगले सवाल है, सफेद रक्त कण जिसे हम WBC के नाम से जानते हैं, सफेद
रक्त कण WBC का कार्य क्या होता है? तो यह होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का। तो शरीर में WBC की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो यह रचना है संत कबीरदास की। बीजक संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो यह शासक थी अहमदनगर की। चांद बीबी यह अहमदनगर की शासक थी। अगले सवाल, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं ईमेल। ईमेल करना यानी इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजना होता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मेल। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने। लाला अमरनाथ ने भारत की ओर से टेस्ट मैच में पहला शतक लगाए थे। अगला सवाल है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह आसवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल आसवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित कराने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? लोकसभा की बैठक का आयोजन कराने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो 1/10। 1/10 यह अपेक्षित गणपूर्ति के लिए कोरम है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यह भारत में पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो इसका सही जवाब है 51। 51% 51% या फिर 51% क्षेत्रफल पर भारत में खेती की जाती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह झूम खेती कहलाती है। झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है जो कि जंगलों को काटकर की जाती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 26 मील की। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील की होती है। 365 गज सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? 365 गज सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जापान के हो देवी पर आते हैं। जापान के हो देव पर यह 385 गज का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। तो हो द्वीप, ये हो द्वीप जापान में है जहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। तो ये थे आज के हमारे 1000 सवाल, यहाँ पर समाप्त होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस ईयर के लिए आपके लिए पूरी सीरीज लेकर आए थे। ये हमारा आज का आखिरी वीडियो था जिसमें 1000 सवाल पूरे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं जिसके टोटल 20 वीडियो 20 पार्ट बनाए गए हैं। यदि आपने अभी तक वो प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस पार्ट को भी देख लीजिए, जिसमें आप पहले पार्ट से 20 पार्ट तक पूरे 1000 सवालों को कंप्लीट कर पाएंगे। और ये पूरे 1000 सवाल प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। इसी प्रकार हमने अपने हमारे एक और सीरीज जिसमें 6000 सवालों को हमने लेकर आए हैं, ये 6000 सवाल अलग अलग विषयों में से सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं, जिसकी एक पूरी सीरीज चलाई जा रही है। यदि आपने उसके भी वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो जनरल नॉलेज की 6000
सवालों की प्लेलिस्ट है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से भी इसके वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जनरल नॉलेज से संबंधित जो भी वीडियो आए वो आपको सही समय पर मिलते जाए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, अगली सीरीज में। थैंक यू।